आप सबका स्वागत है। आज हम 4 जून के ईश्वर वरदान में आ पहुंचे हैं। पिछले 3 दिन के ईश्वर वरदान थोड़े मिस हो चुके हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, आज का ईश्वर वरदान सुनने के बाद में आपको हर शाम को पिछले 3 दिन के ईश्वर वरदान भी सुनने के लिए मिलेंगे आपको। तो आपका वो रिविजन भी हो जाएगा, एक्चुअली डबल रिविजन भी हो जाएगा आपका। तो एक लेटेस्ट वरदान उस दिन का, और शाम को आपका अपलोड हो जाएगा उस पिछले दिन का वरदान। तो देखिए, आज परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं क्या आज के वरदान में, आगे पीछे देख करके सोच समझ के कार्य करो। ये आपने सुना होगा ना, लेकिन आज परमात्मा हमें इसको आध्यात्मिक तरीके से समझाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आगे पीछे सोच समझ कर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। तीनों कालों को समझ करके, ज्ञानी तू मतलब वाइज आत्मा। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख कि हाँ, पास्ट, मेरा पास्ट कैसा है, मेरा प्रेजेंट क्या हो रहा है और मेरे फ्यूचर में मुझे क्या चाहिए, ये तो सोच समझ के हम प्लानिंग भी करते रहते लाइफ में, तो हमारे जो कार्य होते हैं वो भी इसी अनुसार हों कि मुझे इस समय जो मैं कार्य कर रहा हूँ उससे मुझे दुआएं मिल रही हैं कि बददुआएं मिल रही हैं। अब अगर मैं दुआएं कमा रहा हूँ तो फिर वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी मुझे हेल्प करेंगे, और वो जो घूम करके आएगा, क्योंकि हर चीज बोलते हैं रिपीट इटसेल्फ, मतलब क्या है, हिस्ट्री भी क्या होती है, फिर से पुनरावृत्ति, मतलब कि फिर से रिपीट होती है। तो जिस आत्मा के साथ में मैं जो कार्य अभी कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे साथी हो संबंधी, अगर उसके साथ में मेरी ईर्ष्या घृणा नफरत है, तो वो आत्मा मेरे को फिर से 5-7 साल बाद आकर के मुझे इसी साइकिल में, अगले साइकिल में मुझे तंग करेगी वो आत्मा। तो अभी क्या करना है मुझे, अभी उसको कौन सी एनर्जी देनी है, क्योंकि वो एनर्जी मैं ही दे रहा हूँ, मैं ही आत्मा दे रही हूँ, और वही एनर्जी उनसे मुझे रिबाउंड होकर के आने वाली है अगले साइकिल में भी। तो तीनों कालों को सोच करके समझ करके मुझे कार्य करना। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। आगे पीछे सोच करके समझ करके कार्य करो बोलते हैं ना, लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम फिजिकल कार्यों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये है हमारे आदान प्रदान, हम लोगों से कैसे बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं, उनको कौन सी एनर्जीज भेजते हैं अपने थॉट्स के थ्रू, इन चीजों को भी हमें देखना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं, मतलब कि जो कुछ भी सामने आया, चाहे वो अभी इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन कोई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट वेट कर रही है, और अगर वो चीज काम नहीं करी हमने, उसके कारण से 10 लोगों को असर पड़ेगा, 10 लोगों की बद्दुआ हमें मिलेगी, तो क्या कार्य करना चाहिए हमें इस समय, एग्जैक्टली वो प्रायोरिटी, जो इंपॉर्टेंट कार्य उसको पहले करो, सामने जो रैंडमली चीजें आ रही है उनको छोड़ो। फिर परमात्मा कहते हैं कोई भी कर्म करने के पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, ये कार्य जो भी मैं करने वाला हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, धन के मामले में नहीं बोल रहा हूँ। परमात्मा कहते हैं कि हम जो ऊर्जा एनर्जीज का आदान प्रदान करते हैं उसके अनुसार सोचो इन चीजों को, कि आप दुआएं कमाओगे कि आप बददुआएं कमाओगे इनसे। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। तो बहुत सोच समझ के कर्म करना है कि अभी ये कार्य जरूरी है कि नहीं है, ये कार्य रुक सकता है कि वो कार्य पहले होना चाहिए, ये सोचने से हमें पता लगता है कि इसका असर हमारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पे कैसे पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आत्माएं हैं तो हमारे हर कर्म जो है उनका असर हमें हर साइकिल में पड़ता है, क्योंकि हम आत्माओं के साथ में एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं और आत्मा इमॉर्टल है। तो अगला साइकिल जो होगा जब हम ऊपर जाकर के वापस आए नीचे, तो अभी जो हम उनको कह रहे हैं, चाहे अच्छे तरीके से कह रहे हैं, चाहे उनसे घृणा रख रहे हैं, नफरत रख रहे हैं, चाहे उनसे प्यार से बर्ताव कर रहे हैं, वही आत्माएं हमें फिर से मिलेंगी साइकिल में और वैसे ही हमारे साथ बिहेव करेंगी। याद रखिए जो हम उनको देंगे वही हमें रिटर्न होकर आएगा, सिर्फ आज नहीं, कल नहीं, फ्यूचर में नहीं, 100 साल बाद नहीं, 5000 साल की साइकिल है उस समय आएगा, चाहे आप किसी भी साथी संबंधी से जैसे भी बर्ताव। आज का ये वरदान इतना तक, और आप आकर के त्रिकालदर्शी का ज्ञान आकर के ले सकते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें। ओम शांति सत्संग।